जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के सन जी जजिए जा जी जजिए जा। हेलो फ्रेंड, जय आरसीएम। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग आरसीएम बिजनेस कर रहा है तो आप लोगों को जानना जरूरी है ये हमें पैसे कैसे देता है। कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है जो आरसीएम पैसे किस तरह से देता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए फ्रेंड, ये आरसीएम जो है हमें तीन तरह का की कमीशन देता है। पहला नंबर में है लीडरशिप बोनस, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा टेक्निकल। आज हम देखिए ये जो लीडरशिप बोनस है हम किस तरह से बिजनेस करने के बाद हमें स्लैब प्राप्त होती है और उसी स्लैब में किस तरह से हमें कमीशन मिलता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करा जा उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं सुकांत राय गुड लाइफ यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुकांत राय, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो हमें कमीशन देता है ये प्रोडक्ट के ऊपर, अरे देखिए मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। आप कोई से भी एक प्रोडक्ट लेते हैं उसमें तीन तरह का वो होती है। पहले नंबर पे तो MRP, दूसरे नंबर पे DP, तीसरे नंबर पे BB। BB का मतलब जो होती है बिजनेस वॉल्यूम, हमें MRP से सामान सेल करना होता है और DP पे खरीदना होता है, और BB जो होती है बिजनेस वॉल्यूम जो होते हैं उसकी कमीशन मिलता है। और हमें ये कमीशन किस तरह से बांटता है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होती है जिसे कहते हैं कमीशन स्लैब। इस कमीशन स्लैब के ऊपर ही हमें कमीशन मिलता है। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको लीडरशिप बोनस के बारे में बात करेंगे। देखिए एग्जांपल, आपको टोटल बिजनेस 3.5 लाख की होता है और इसमें हम लेग लेके चलते हैं। आपको मेन लेग में 2,80,000 के बिजनेस होता है और सेकेंड लेग में आपको 65,000 की बिजनेस होता है। तो यानी आपको 2,80,000 और 65,000 कुल मिला के आपको 3,45,000 बिजनेस होता है और आपकी खुद की खरीदारी 5,000 बिजनेस की होता है। तो यानी टोटल मिला के आपको 3.5 लाख की बिजनेस होता है और ये 3.5 लाख जो है आपको 32% की स्लैब में आते हैं। और आपको मेन लेग में जो 2,80,000 की बिजनेस होता है ये आपको 29% की स्लैब में आता है, और आपकी जो सेकेंड लेग में 65,000 की बिजनेस होता है वो आपकी 19% की स्लैब में आता है। यानी टोटल आपको जो होती है 32%, यानी 3.5 लाख बिजनेस की जो 32% निकालने के बाद आपको जो होती है 1,12,000। तो ये 1,12,000 जो है ये आप ही का खुद की कमीशन नहीं है, ये आपके पूरे टीम का है। तो देखिए ये जो कमीशन कैसे बढ़ता है, जैसे आपको 32% होती है, इस 32% से आपको मेन लेग में जो 29% है ये 32% से माइनस करेगा और जो परसेंट बचेगा उसमें से आपको सेकेंड लेग का परसेंटेज बटेगा, बट के जो परसेंटेज बचेगा वो आपकी है। और देखिए साधारण तौर पर जैसे आपको पूरे टोटल जो इनकम हुआ, मतलब पूरे टीम का जो इनकम हुई वो 1,12,000, और आपकी मेन लेग में जो 2,80,000 की बिजनेस हुआ था यानी जो 29% की स्लैब में है, इसके जो कमीशन होता है 81,200 रुपये। और आपकी सेकेंड लेग में जो 65,000 रुपये की बिजनेस होता है वो आपको होता है 19% की स्लैब में, यानी आपको सेकेंड लेग में जो बटेगा वो है 12,350 रुपये। तो ये जो आपको टोटल 1,12,000 है इसमें से आपको 81,200, 12,350 ये माइनस करने के बाद आपको जो कमीशन बचेगा वो आपकी खुद की कमीशन है। यानी आपको मेन लेग में और सेकेंड लेग में जो परसेंटेज है वो पैसे बांटने के बाद आपको जो बचता है 18,450 रुपये, ये आपकी खुद की कमीशन है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से आरसीएम हमें कमीशन बांटता है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को दो बार से रिव्यू करके देखना तो आपको समझ में आ जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, इस आरसीएम बिजनेस में जितनी स्लैब है और जितने पीने हैं और उसमें कितना बिजनेस करना पड़ता है आपको और कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में पहले से ऑलरेडी हमारी एक वीडियो बना हुआ है, वो हम आई बटन पे दे देंगे, आप उसे एक बार देख लेना तो आप लोगों को
ये समझ में आ जाएंगे जो हमारे आरसीएम किस स्लैब में कितना कमीशन बांटता है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गए और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जाते जाते मैं एक बात और कहूँगा, अगर हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो को आप पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले घंटी बटन ऑल को दबाएं ताकि हम जो भी नया नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे एक और नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।